ये है जी माशाल्लाह अज़ीज़ केयर फॉर्म के ऊपर 2023 की न्यू एंट्री जी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का बढ़ता हुआ अतमाद और बुकिंग शुरू होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त इतने सारे रबते में हैं कि वो 2023 का जनवर परचेज़ करने के लिए सिर्फ हमारी हाँ ना का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पैसे भी भेजे हुए हैं कि भाई अच्छा सा कोई बछड़ा आपको मिल जाए 2023 का तो आपने परचेज़ कर लेना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 98 नंबर बछड़ी है जी मुबीन भाई की, वो भी 2023 की है अवेलेबल हमारे फार्म पे ऊपर। और ये माशाल्लाह जी हमारे एक दोस्त हैं जी जिनका बछड़ा आया है 2023 की कुर्बानी के लिए और इसका आना मुबारक हो जी। वेलकम करता है जी अज़ीज़ कैट फार्म अपने फार्म पे आने वाले नए बछड़ों को और अल्लाह ताला से दुआ भी है हमारी कि अल्लाह ताला कुल जानवरों को इसको भी तंदुरुस्ती दे और सेहत दे और ये खूब खाए पिए और माशाल्लाह बड़ा जानवर बने और अच्छा बैल बने। और जो जिस किस्म जिस लिए ये लिया गया है तो उसमें भी अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए और ये अल्लाह खैरी सलामती के लिए 2023 का टाइम लेके आए और जब ये अपने डिलीवर हो और जिस मकसद के लिए लिया गया है उस मकसद में अल्लाह ताला इसको कबूल करे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह और भी दोस्त हैं जिनके 2022 के बछड़े भी ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं, 2023 के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रबते में हैं दोस्त। तो हमारा जो प्रोग्राम है कि हम ये सर्दी का है जो स्पेल अभी जनवरी आ रहा है दिसंबर और जनवरी यहाँ सर्दी होती है थोड़ी सी ज़्यादा इन महीनों में, अभी तो नॉर्मल है दर्जा हरारत। तो बाकी जैसे ही जनवरी गुजरेगी तो इंशाल्लाह ताला हम बकायदा अनाउंसमेंट करेंगे 2023 के जानवरों की बुकिंग के हवाले से भी, तो तब इंशाल्लाह ताला हमारे पास बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो 2023 के भी आएंगे और 2022 के भी फ़िलहाल भी ले रहे हैं। 2022 के तो बड़े ले रहे हैं क्योंकि ये बड़े हैं, इनको सर्दी से बचाना बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये संभले हुए हैं माशाल्लाह, खाया पिया है वंडा शंडा और जान है इनके अंदर। और जो 2023 के आते हैं ये कमज़ोर होते हैं पीछे से जब आते हैं, तो जिस वजह से इनको छोटे होते हैं और इनको सदी से बचाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने डिले किया हुआ है अभी 2023 की बुकिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जनवरी के एंड पे जनवरी के मिड में हम जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे बकायदा के अज़ीज़ केयर फार्म के ऊपर माशाल्लाह जो बुकिंग है 2023 के जानवरों की भी शुरू हो गई है। तो लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त हैं जो पहले परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनके बछड़े जो हैं उनके अभी संडे वाले दिन जाएंगे तारक भाई तो शेखान मंडी, तो अगर कोई अच्छा सा मिल गया तो जिन दोस्तों के पैसे आए हुए हैं उनके लिए हम अच्छा सा जैसी उनकी ख्वाहिशात है जैसा उन्होंने बताया है हम जानवर परचेज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे लेके आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी दोस्त जानवर खुद परचेज़ करे या हमें या हमारे साथ आके खुद करे या ऑनलाइन परचेज़ करता है कहीं किसी जगह से, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अच्छा जानवर दे और रिजनेबल रेट में मिले जो बनने वाला हो, खूबसूरत हो और ज़िंदगी वाला हो। तो ये जी माशाल्लाह फार्म का दूसरा हिस्सा। दूसरी तरफ हमारे सारे मेहमान ही हैं, तकरीबन 3 मेहमान हैं दूसरी तरफ, कुछ फ़ीमेल्स हैं कुछ एक दो हैं जिनको डॉक्टर साहब ने अलहदा करवाया हुआ है। एक का तो वज़न का मसला है और एक का थोड़ा सा और इशू है पाँव के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तंदुरुस्त हैं सारे के सारे जानवर, कोई बीमार नहीं है, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो फीड ना उठा रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे शौक से खाते हैं और माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म एंड प्लाई सेंटर लोकेशन हमारी जो है तहसील हासिलपुर ज़िला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सहूलत के साथ आपकी पाकिस्तान के किसी भी शहर से हों बिला झिझक आप अपना बछड़ा दे सकते हैं अज़ीज़ केयर फार्म के ऊपर पुलवाई के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा होम डिलीवरी का सिस्टम काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे सस्ता प्लाई सेंटर है यह एजाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ केयर फार्म के पास है। और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है अज़ीज़ केयर फार्म का, आपको ये पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में ना छोटे शहर में किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है हमारे एरिया का भी और हमारे जो फार्म है उसका भी, अल्हम्दुलिल्लाह कुशादा
सारा माहौल है बिल्कुल ओपन एरिया है माशाल्लाह, खुली जगह जानवरों को देते हैं हम स्क्वायर फुट के हिसाब से भी, छाँव में हो, अंदर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजामात हैं। आप नीचे बेड चेक करें तो बिल्कुल सॉफ्ट है, बालू रेत डाली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बछड़े अभी थोड़ी देर तक ये खा पी के लेटे जाएंगे इधर, यूं लम लेट हो जाते हैं टांगे निकाल के। तो रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे का सॉफ्ट है बेड, इतना सॉफ्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह के मज़े के साथ सोते हैं ये। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह नीचे वाला बेड इनका, जब रात को अंदर बांधते हैं। तो इसके अलावा ये जो हिस्सा है हमारा तरपाल वाला रहता है, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कल तक उम्मीद है कि तरपाल बन के वापस आ जाएगी। तो क्योंकि हम अपनी पैमाइश के मुताबिक बनवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि फिट फिट आए और जो जिस वजह से लेट हो रही है अदरवाइज़ बना ये तरपाल आके लग जानी थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म एक जानवर का 1 महीने का 12,000 रुपये ले रहे हैं, जिसमें खुराक शामिल है, खुराक और उसके अलावा वैक्सीन इसकी शामिल है, और इसके अलावा जो शेड के तमाम अखराजात हैं वो शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अज़ीज़ कैटल फार्म के अंदर के जो अखराजात हैं वो 12,000 रुपये में शामिल हैं, और जो बाहर के हैं यानी कि आप बछड़ा परचेज़ कर लेते हैं किसी और जगह से मुल्तान से, तो वो अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर अगर डिलीवर होता है तो उसका किराया आपने देना है। और इसके अलावा अगर आप कुर्बानी के मौके पे जब आप अपना बछड़ा वसूल करवाएंगे अपने शहर में अपने घर में, तो उस वक़्त जब बछड़ा यहाँ से जाएगा, कराची है, पेशावर है, या जिधर भी जाता है बलूचिस्तान, तो जानवर का जो किराया है वो आपने पे करना होगा। तो शेड के अंदर के अखराजात जो हैं वो 12,000 रुपये में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम माशाल्लाह जानवरों को पा रहे हैं और उनकी खाता तवाज़ा में लगे हुए हैं माशाल्लाह। जानवर भी चेक करें माशाल्लाह, इनके पेट भी चेक करें कैसे माशाल्लाह गोल मटोल हैं और मुझे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट हैं। डॉक्टर साहब भी प्रॉपर बाकायदगी के साथ आ रहे हैं, और ये सारे जो बछड़े हैं ये हसन साहब के हैं, और दूसरी तरफ जो हैं खुली के ये हैं अपना आज़म भाई, और यहाँ से फिर आज़म भाई के शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। ये कासी नंबर आ गया माशाल्लाह, काफ़ी सारे बछड़े हैं इनके, तो ये माशाल्लाह दोस्तों का इत्माद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हसन साहब हैं, 30 नंबर टैग है माशाल्लाह, और ये बुराक है माशाल्लाह जी, चेक करें इसकी गुलाई, ये चेक करें माशाल्लाह पेड़ निकला हुआ है, ये चेक करें। और ये 83 नंबर है जी टैग, हाफिज़ अताउर रहमान साहब हैं, और ये टैग नंबर 109 आ गया माशाल्लाह। और ये हमदान भाई का 62 नंबर बछड़ा है जी माशाल्लाह कराची से, और ये शौकत साहब आ गए गुजरांवाला सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह। ये शौकत साहब का 74 नंबर आ गया पटेला, और ये इनका साहिवाल में आ गया 74 नंबर। तो माशाल्लाह जी, और ये इमरान अयूब भट्टी साहब हैं माशाल्लाह, ये टैग नंबर 60 है इसका, और इसके साथ ये स्पेशल प्रोटोकॉल हैं। और ये कलीम साहब हैं माशाल्लाह कराची से, और ये राना खावत साहब का माशाल्लाह 88 नंबर टैग आ गया, और ये आ गया जी माशाल्लाह तैमूर भाई का माशाल्लाह जी, इसका नाम है जी तैमूर भाई हैं जी माशाल्लाह, 58 नंबर इसका टैग है 58, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़े हैं। और ये वाइट स्नैक माशाल्लाह नुकरा, ये अली भाई हैं जी सियालकोट से, ये उनका आ गया। और ये ब्राह्मण जो है ये भी अली भाई का है माशाल्लाह। इसके अलावा दूसरे चेंज होगी जगह, अली भाई के और भी 3 बछड़े हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, टैग नंबर 3, टैग नंबर 4 और टैग नंबर 37। और ये जी शुएब साहब हैं माशाल्लाह, ये उनका आ गया, और इसके साथ ये जी 20 नंबर टैग माशाल्लाह, नमल इसका नाम है। और ये आ गया जी माजिद साहब हैं माशाल्लाह, ये उनका आ गया बछड़ा। और ये आ गया जी माशाल्लाह कोयटा से मोहसन साहब, और ये आ गया जी माशाल्लाह हमारे हुज़ैफ़ा साहब का अनमोल कराची से, और ये वकास साहब का आ गया माशाल्लाह 30 नंबर पांडा। और ये है जी आज़म सॉरी आसम साहब हैं जी मोहम्मद समी साहब, ये माशाल्लाह उनका है। और ये मेरे ख्याल में रहील साहब का है, और ये कुछ इस तरह से हैं जी। असल में जो साहिवाल में होते हैं ये सेम होते हैं, इनका टैग नंबर चेक करना पड़ता है,
तो ये जी अशरफ साहब हैं अमेरिका से, ये माशाल्लाह उनके हैं, ये तीन बड़े बैल हैं, और इसके अलावा उनके तकरीबन दो तीन फीमेल हैं, तीन चार तीन हैं फीमेल, और चार पांच बछड़े भी हैं उनके पास जो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी पे दो दांत होंगे। और ये कत्ता नंबर लड्डू है जी, और ये चेक करें माशाल्लाह जानवरों की गुलाई चेक करें, और ये आ गया जी हनीफ साहब का, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब हैं जानवर माशाल्लाह, कलर के लिहाज से, शाइनिंग के लिहाज से, ग्रोथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बेमिसाल है, और माशाल्लाह लाजवाब है माशाल्लाह जानवर। तो माशाल्लाह जानवर जो दोस्त हैं वो बड़े अच्छे कलर वाले जानवर हैं माशाल्लाह, बनने वाले जो परचेज़ किए हुए हैं। और ये जी पाँच नंबर आसम साहब हैं माशाल्लाह इस्लामाबाद से, और ये आ गया जी माशाल्लाह कराची से आए थे ये मेहमान हमारे, ये बछड़े कराची से, ये माशाल्लाह हैं दोस्त हमारे, तो नाम उनका नहीं याद मुझे, नाम के लिए माजरत, नाम जहन से निकल गया। और ये आ गया जी 14 नंबर शायद, और ये आ गया जी माशाल्लाह चेक करें खूबसूरती के लिहाज से, बछड़ा बिल्कुल साफ चमक रहा है जैसे उसके ऊपर सूर्य की किरणें डाल रही हैं माशाल्लाह। और ये चेक करें जी, ये है जी नईम साहब का, रावलपिंडी से कसवा, और इसके साथ ये 65 नंबर है जी माशाल्लाह, टैग नंबर 65 है। और ये चेक करें माशाल्लाह सारे माशाल्लाह जानवर जो हैं एक दूसरे से बढ़ चढ़ के खूबसूरती के लिहाज से खूबसूरत हैं। और ये आ गया जी 87 नंबर, पेशावर से हैं हमारे फ़र्ख भाई, और आज जो है ये दरख्त को हम ऊपर से काट रहे हैं, इसके पत्ते शत्ते सारी टहनियाँ वगैरह काट के नीचे फेंक रहे हैं, और यहाँ से इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि ये इसका जो है वो साया होता है बहुत दूर तक रहता है, तो अभी इसको काम कर रहे हैं, अभी खाना शाना खा रहे हैं हमीद भाई अरशद भाई, तो उसके बाद ये काटेंगे, और काट के ये सारा क्लियर कर देंगे, तो ये सारा बिल्कुल इधर फिर धूप रहेगी 24 घंटे, और जैसे ही गर्मी आएंगी तो उस वक्त तक इसके दोबारा पत्ते हैं निकल आएंगे और हमें ज़्यादा बेनिफिट देंगे इस हवाले से। और ये जी वकास साहब का 24 नंबर आ गया माशाल्लाह, तो जानवर चेक करें माशाल्लाह लाजवाब खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह चेक करें पांडा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है जी। और ये 22 नंबर आ गया हमदान भाई का, फ़र्ख भाई हैं जी कराची से, ये माशाल्लाह बेहतरीन है खूबसूरत। और ये आ गया जी 15 नंबर नईम साहब हैं सिंह सांगड़ से, और ये आ गया जी 21 नंबर, और अदनान साहब जर्मन से हैं ये माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह 89 है शायद। और ये जी अर्तुल है माशाल्लाह, साजिद साहब हैं हैदराबाद सिटी से, और ये अशरफ भाई का है जी माशाल्लाह, और ये 97 है टैग नंबर शायद। और ये 37 नंबर अली भाई का आ गया माशाल्लाह, और ये 19 नंबर हनीफ साहब आ गए, और ये 3 नंबर अली भाई का आ गया फिर से, ये अली भाई का पटेला है जी 3 नंबर टैग। और ये तसीफ़ भाई का माशाल्लाह डब्बू, और तसीफ़ भाई का भी माशाल्लाह 2023 का जो बछड़ा है उन्होंने परचेज़ कर लिया है, तकरीबन 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी डिलीवर हो जाएगा फार्म के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का एतमाद है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो एतमाद का रिश्ता है इसको अल्लाह ताला ऐसे ही बरकरार रखे, और जो है अज़ीज़ कैट फार्म के ऊपर बछड़ों की आमद का जो सिलसिला है वो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहे। और माशाल्लाह जो अज़ीज़ कैट फार्म है ये सब आप दोस्तों के तावन से, अल्लाह ताला के करम फजल से, और आप दोस्तों की मोहब्बत से चल रहा है जी माशाल्लाह। ये हमारा नहीं बल्कि हम कहते हैं कि हम सब का फार्म है, जितने भी मेंबर हैं ये सब हमारे भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना फार्म है, जब चाहें आप आएँ विज़िट करें, विज़िट करें और मेहमान बने। हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई भी बंदा इतनी दूर से अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के हमारे पास आता है, मिल बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, फार्म घुमाएंगे, इलाका घुमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए कहते हैं कि आएँ भाई, हम इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मेहमान हमारे पास आए, और अगर किसी किस्म का किसी को मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडवाइस कोई देना चाहे, हमारे साथ शेयर करना चाहे किसी किस्म का कोई भी मामला, तो वो जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स का लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक एंड फॉलो करना है, वीडियो जो है आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल वॉच करें,
दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और माशाल्लाह ये जानवर उधर से हमने इधर बांधे हैं कि उधर ऊपर से वो कटाई हो रही है, जिस वजह से इनको खोल के नीचे से साइड पे किया ताकि कोई ऊपर से दाना वगैरह गिरे लकड़ी और इनको चोट ना लग जाए। तो बाकी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, दोस्तों से शेयर भी करना है जी, अपना भी ख्याल रखना है, अपने साथ जो दोस्त हैं उनका भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें अज़ीज़ कैट फार्म और अज़ीज़ कैट फार्म की पूरी टीम को। तो अभी दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।